हाँ ठीक रहे ना, इसको करने का अपन एक तरीका और देखेंगे, मेथड नंबर टू देखो, सेम क्वेश्चन करने का। तो देखो हम क्या करते हैं, बैटरी क्या कर रही है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। मतलब क्या कहना चाह रही है वो, इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल इस वाले कंडक्टर से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा, है ना। पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल नेगेटिव वाले से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा। और 0 वोल्ट हमने कहा था पोटेंशियल, तो भाई रेफरेंस कहीं भी मान लो, रेफरेंस लाइन कहीं भी मानी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो वह नोड नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है मान लो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर इसका 0 वोल्ट मान लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये 10 वोल्ट का मेंटेन कर रही है, ठीक है। अब क्या है, इसका तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें मान लो इसका नोड का पोटेंशियल है x, वी एक्स मान लो, चलो पोटेंशियल लिख रहे हैं ना वी एक्स, इसका पोटेंशियल कितना मान लो वी वाई, समझ आया क्या। इसका पोटेंशियल मान लिया, ये तो 0 माना तो ये 10 हो गया, इसको x मान लिया, इसको वी एक्स मान लिया, इसको वी वाई मान लिया। तो फाइंड वी एक्स एंड वी वाई हमको क्या करना है, मान लो क्वेश्चन में दिया है फाइंड वी एक्स एंड ये आ गया मान लो, तो कैसे निकालेंगे वी एक्स और वी वाई ना। तो देखो सिर्फ किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के हम निकाल लेंगे इसको, देखो कैसे, ये देखो ये है किरचॉफ का, इन दोनों प्लेट का भाई फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना भाई, क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल, इनिशियल चार्ज कितना था इस पर माइनस फोर, फाइनल भी माइनस फोर रहेगा ना, ठीक है। तो चलो फाइनल चार्ज होता क्या है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो लगाओ इसके एक्रॉस है ना, इसका सी कितना है टू, और वी कितना है इसके एक्रॉस, देखो अपन इस वाली प्लेट का चार्ज रख रहे हैं ना, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, दिस माइनस दिस क्या आ रहा है वी एक्स माइनस टेन। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्यू फाइनल, फाइनल मान लो इस वाले पे क्यू वन चार्ज आ गया, चलो अभी के लिए लिख लेता हूँ, चलो अभी तुम्हें समझाने के लिए, ये इस वाले पे मान लो क्यू वन आ गया, इस वाले पे क्यू टू चार्ज है मान लो, ये माइनस फोर और जीरो क्या है इनिशियल चार्जेस है, समझ आ रहा है, माइनस फोर और जीरो क्या है इनिशियल चार्जेस, मान लिया फाइनल इस पे क्यू वन इस पे क्यू टू है, तो यही तो लिखूंगा फाइनल इक्वल टू इनिशियल क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू माइनस फोर माइक्रो, नहीं लिखूंगा क्या बताओ ये। अब मैं क्यू वन लिखना चाह रहा हूँ इस पे चार्ज, तो हमारा क्यू वन क्या होता है सी इन टू वी, तो सी कितना है इस वाले का टू माइक्रो, और वी कितना है पोटेंशियल, अब क्योंकि तुम इस प्लेट का चार्ज देखो तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हमेशा जिसका लिख रहे हैं, तो वी एक्स माइनस टेन, चलो क्यू टू लिखते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है फोर माइक्रो, अब वी पोटेंशियल, तो इसका लिख रहे हैं तो दिस माइनस दिस करेंगे माइनस वी वाई इक्वल टू इनिशियल माइनस फोर माइक्रो, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आ गई। देखो वी एक्स और वी वाई दो वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशन चाहिए हमको, दो चाहिए, तो लिखते ही हो जाएगा हमारा काम। और ये क्यू वन क्यू टू तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में ही सोच लो, अब ऐसे ही देखो इस पर भी लगा सकते हैं हम ये चीज, सोच लो इस पर क्यू थ्री इस पर क्यू फोर है, तो अगेन मैं लिख रहा हूँ क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल, मतलब क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल कितना है तुम्हारा देखो इस वाले पे प्लस फाइव और जीरो प्लस फाइव माइक्रो, ये तुम्हारा इनिशियल है, तो फाइनल क्या हो गया मान लो क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, दिमाग में सोचो ना, तो क्यू थ्री क्या होगा सी इंटू, अरे क्यू तुम्हारा सी इंटू वी होता है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखो चलो सी कितना है तुम्हारा फोर माइक्रो, पोटेंशियल डिफरेंस वी वाई माइनस वी एक्स, क्योंकि अब इस वाली प्लेट का लिख रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे वी वाई माइनस वी एक्स, ठीक है। इस वाली प्लेट का बताओ सी कितना है सिक्स माइक्रो, सिक्स माइक्रो फैराड है ना, सी इंटू वी 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 वाई माइनस इक्वल टू इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना है फाइव माइक्रो, देखो दो वेरिएबल थे दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, हो गया काम, इससे वी एक्स और वी वाई निकल जाएंगे, निकालो क्या आ रहे हैं। देखो ये सारे कंसेप्ट से ये सारे तरीके हमें सब आने चाहिए, कब किस क्वेश्चन में कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए, कौन सा तरीका हमें जल्दी आंसर दे दे, कितना रहा है वी एक्स कितना रहा है और वी वाई यही आ रहा है क्या, ये आ रहा है नहीं, देखो भाई कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है मान लेते सही है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया मैंने, तो इसका पोटेंशियल वी एक्स से वी वाई है, अब इससे भी अपन चार्ज निकाल सकते हैं, जैसे मान लो चार्जेस मान लो इस पे क्यू वन आ गया, इसमें माइनस क्यू वन आ गया, इस पे क्यू टू आ गया, इसमें माइनस क्यू टू आ गया, इसमें मान लो इस पे क्यू थ्री आ गया, इसमें माइनस क्यू थ्री आ गया, तो अब क्यू वन क्या होगा बताओ सी इन टू वी, सी कितना है तुम्हारा टू माइक्रो, और वी कितना है ये टेन वोल्ट था, ये जीरो वोल्ट था,
टेन माइनस बी एक्स लिखेंगे या बी एक्स माइनस टेन, क्योंकि इस प्लेट का लिख रहे हो ना तुम, अगर इस प्लेट का लिख रहे हो तो बी एक्स माइनस टेन लिखते, इस प्लेट का लिख रहे हो तो टेन माइनस बी एक्स टेन में। अब बी एक्स की वैल्यू तुमने लगा निकाली होगी, उसको रख देना और देखना क्या आंसर आ रहा है, वो पिछले वाले आंसर से मैच कर जाएगा। समझ में आया? क्यू टू क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ, म्यू कितना है 4 माइक्रो और वी कितना है बी एक्स माइनस, क्यू थ्री कितना हो जाएगा 6 माइक्रो है ना, और बी वाई माइनस। देखो इससे तुम, इससे भी तुम तीनों प्लेट के चार्ज निकाल सकते हो, तो एक तरीका वो था, ये दूसरी मेथड है सेम क्वेश्चन को करने की। चलो क्वेश्चन देखो, कर रहे क्वेश्चन।